मानना है कि जब इतने बड़े खंडनीखोर और चार चार गुना दाखिल होने के बावजूद भी ये हेडमास्टर बने हुए हैं, तो जब ये खुद सुरक्षित नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ये क्या पढ़ेंगे क्या? हमारा शासन 26 करोड़ किससे वसूल करेगा? अगर अगर वो गरीब से वसूल करेगा तो गरीब दे नहीं पाएगा, दूसरी बात अगर नहीं देगा तो उसको उनको गरीबों को बेघर करना पड़ेगा। घर अलग से बोल करके डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसको उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लोगों को भीख भी नहीं डालता हूँ। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, उनको भी मालूम है मैं क्या हूँ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जिस पटरी पे मैं जा रहा हूँ, जो रास्ते पे जा रहा हूँ, उस पर मैं जाऊंगा, गरीबों को कैसा भला करना, गरीबों को कैसा बचाना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके। इस आवाज को इतने दूरी तक ले जाना है हमारे चैनल पे, आप जो लोग दर्शक देख रहे हो उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस आवाज को इतनी दूरी तक ले जाना है कि आवाज जो है वो एक मिशन बन जाए, और मिशन बनने के बाद कहीं ना कहीं इन चीजों पर अंकुश लगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सचमुच लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव बघेल गुप्ता जी है, किशन देव गुप्ता जी है, और साथ ही साथ संजय गुप्ता जी है। पिछले लंबे समय से वसई विरार अंतर्गत जो गतिविधियां शुरू है, जिसको हम अनैतिक गतिविधि भी कह सकते हैं, उस गतिविधि को लेकर यह आवाज उठाते रहे हैं, जिसको हम मंदिर का दर्जा देते हैं, शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल। स्कूल के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, इसका एक सीधा सीधा जो नमूना है वो यहाँ वसई विरार में देखने को आपको मिल जाएगा। वैसे वसई विरार में काफी ऐसे स्कूल है जो शासन ने खुद उनको इल्लीगल घोषित किया हुआ है, इल्लीगल बांधकाम में है। लेकिन छोटे विद्यालय की बात की जाए तो चलो ठीक है, कुछ ऐसे बड़े बड़े विद्यालय स्कूल है जो कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में है, और ऐसी उनकी हालत, ऐसी उनकी बनावट है कि अगर कभी थोड़ा तीव्रता का भूकंप आ जाए तो वो बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। यहां तक कि अगर उस क्षेत्र में जाएंगे तो जो पानी के टैंकर, बड़े डंपर, वो जब उस रास्ते से निकलते हैं तब बिल्डिंग जो है वो वहां कम कपाती है। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉमन हाईवे से टच ज्ञानोदय मल्टीपल हाई स्कूल की, और राजीव बघेल गुप्ता जी जो है इन्होंने इस स्कूल को लेकर काफी फॉलोअप किया। यहां तक कि इस स्कूल के मामले को लेकर इन्होंने PIL तक दाखिल की। हमने अपने पुराने वीडियो में इनसे मुलाकात करके आपको बताया है कि PIL में ऑर्डर तक हुआ है हाईकोर्ट का। उसमें हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर स्कूल इलीगल है, वो दिखाई दे रहा है कि इलीगल है, और उसमें ये ऑर्डर हुआ है कि इसको तोड़ा जाए। बावजूद इसके हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होती है, और वसई विरार महानगर पालिका जिसका कार्यभार आप सभी जानते हैं, हम बार बार उसका खुलासा करते ही रहते हैं, उन्होंने उस पर कुछ कार्यवाही नहीं की। आज भी वो कॉलेज, आज भी वो स्कूल वहां का वहां है। 2018 में पहली बार आदेश होता है कि स्कूल की बिल्डिंग जो अवैध है उसको तोड़ा जाए, तब स्कूल मालक खुद कोर्ट में एफिडेविट देता है कि अभी स्कूल रनिंग है, जैसे ही स्कूल का सेशन खत्म होगा और मैं खुद इस बिल्डिंग को गिराऊंगा। तो जिस हम स्कूल की बात कर रहे हैं, उसी स्कूल की चेन है, और उस चेन में से एक स्कूल है तुंगारेश्वर एकेडमी, जिसको 2018 में तोड़े जाने का ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर पर स्कूल मालक ये कहता है कि इसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इस समय जब सेशन खत्म हो जाएगा तो हम सामने से तोड़ देंगे। लेकिन वो स्कूल आज तक वहां की वहां टिकी हुई है। और फिर जिसका हमने बात शुरू किया था, ज्ञानोदय मल्टीपल स्कूल, इसके लिए इसको लेकर 2022 में ऑर्डर आता है तोड़ने का, तो वो भी आज भी वही के वही है। तो इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल एक ऑर्डर हमारे हाथ में है जो राजीव बघेल गुप्ता जी ने निकाला है, और इसमें कोंकण कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठन को लेकर आदेश दिया है जिलाधिकारी पालघर को, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी को बनाए जाने का नमूद किया है, और जिलाधिकारी ने बकायदा एक समिति का गठन भी कर दिया है। उस समिति में कुल 5 लोगों को रखा गया है, 5 अधिकारियों को, और पूरा मामला क्या है जानते हैं। राजीव भाई नमस्कार। नमस्कार सर।
राजीव भाई, पिछले मैंने अपने इस शुरुआत में काफी कुछ बता दिया, बयान किया है, लेकिन आप ये 2018 से फॉलो कर रहे, क्या मामला है? 2018 से फॉलो कर रहे, ये जो जगह ही सरकार जमा हो गई थी 2001 में, 2001 में जब सरकार जमा हो गई थी, इसकी फेर चौकसी ये लोगों ने किया ही नहीं, उसको पैसा दबा के शांत कर दिया अधिकारियों को, महसूल विभाग के, वो मैटर चालू हो गया 2023 में, फिर चौकसी लगाया प्रांत साहब ने, लगाया 2023 में, और उन्होंने ऑर्डर भी निकाल दिया, सरकार जमा कर दिया जगह। सरकार जमा होने के बाद सामने वाला जवार में गया, अपर जिलाधिकारी वाला अपील में गया, वहां से भी उन्होंने फटंगरे साहब ने उनको वहां से लेकर दिया कि जो आदेश प्रांत साहब ने दिया था वो आदेश कायम है, आप जल्दी से जल्दी इस इमारत को डेमोलिशन करो और सरकार के अंडर में वो जगह ले लो, ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल अरुण वर्मा की। उसके बाद ये चले गए उधर कोकन कमिश्नर अपीली शाखा मुंबई, वहां पे अभी हम लोग का उसमें केस चालू है, लेकिन महानगर पालिका जो रेड्डी सर है उनके पास जब मैं गया कि भाई सरकार जमा हो गया, 7 बार पे सरकार जमा का नाम आ गया है, तो इसको आपने जो सीसी दिया इनलीगल तरीके से उसको रद्द करो, तो उन्होंने बोला कि उधर से कमिश्नर का ऑर्डर आएगा, उसके बाद हम महसूल विभाग का जो आदेश आएगा उसके बाद हम उस पर कोशिश करेंगे। तो इसमें जहां तक मेरा अंदाज है कि हर विभाग, महसूल विभाग रहने दो, महानगर पालिका रहने दो, या शिक्षण विभाग रहने दो, यहां तक कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो इमारत सुरक्षित है कि नहीं है उसका दाखला देती है, तो उन्होंने क्या किया है कि जो सरकार जमा जगह हो गया था 7-12, उसने क्या किया 6 महीना पहले का उनको 7-12 दिया, और जो जो रद्द हो चुका था 7-12, जो सरकार जमा था वो लेटेस्ट में जमा हो गया था उस टाइम पे, उन्होंने उसको नहीं दिया, वो 6 महीना पहले का 7-12 पीडब्ल्यूडी विभाग को देके उसने सुरक्षित का दाखला ले लिया है, तो उधर भी उसने फ्रॉड पेपर दिया हुआ है, ऐसे उसके पास 4 गुने दाखिल है अरुण वर्मा के पास, और उसका अरुण रामकृष्ण कौड़ी राम वर्मा, ये अरुण वर्मा के पिताजी है, उनके ऊपर 25 लाख का खंडरी का गुना दाखिल हुआ है पहले का, और उसके बाद से 3 गुना दाखिल इनके ऊपर हो चुका है अरुण वर्मा के ऊपर। तो ये कौन से बेस पे, जो माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, प्राथमिक स्कूल है, ये जो विभाग है इनको कौन से हिसाब से सरकार स्कूल चलाने की इनको अनुमति दे रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि जब इतने बड़े खंडनीखोर और 4-4 गुना दाखिल होने के बावजूद भी ये हेडमास्टर बने हुए हैं, तो जब ये खुद सुरक्षित नहीं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ये क्या पढ़ेंगे क्या? अच्छा, आप पीआईएल में भी गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने पीआईएल में गया तो एक 2018 में एक हाईकोर्ट का आदेश आया था, हमारे एक मित्र गए थे उनके पीआईएल में आया था, तुंगारेश्वर एकेडमी वैसे ही फाटे में है, वहां पे 2018 में आदेश आया कि इसको तुरंत डेमोलिशन कर देना। तो अरुण वर्मा ने, विनोद वर्मा, ये लोगों ने खुद हाईकोर्ट को लिख के दिया कि हमको 1 साल का टाइम दे दीजिए, बच्चे लोगों का रनिंग चालू है, ये जैसा ही पूरा हो जाता है हम खुद अपने स्व खर्चे से तोड़ के जिलाधिकारी को सौंप देंगे, ऐसा उन्होंने लिख के दिया हाईकोर्ट में, मेरे पास उसका एविडेंस है। तो उसके बाद उन्होंने अभी तक 2018 से लेकर 2024 चालू है, महानगर पालिका को मैनेज करके अभी तक ये लोग का चल रहा है, अभी उन लोग ने कुछ उसको तोड़ करवाई नहीं कि ऐसे चल रहा है। अगर उसके बाद 2022 में जब मेरा पीएल का आदेश आता है डिमोलिशन का, और वहां पे बैनर लगाओ बच्चे लोगों को कि मालूम पड़े ये स्कूल इनलीगल है, इसमें बच्चे लोग एडमिशन नहीं लेंगे, तो हाईकोर्ट का आदेश तो उसने 2018 में जो आया डिमोलिशन का उसको उसने नजरअंदाज कर दिया महानगर पालिका ने। तो मैं कितना भी अगर आदेश लाता हूं बच्चों के सुरक्षित के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जो मैं लड़ रहा हूं आज इतने सालों से, तो बच्चों को कम से कम इसके पास उधर पे 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तुंगारेश्वर एकेडमी में, यहाँ पे 4 से 5,000, टोटल 8 से 10,000 बच्चों का भविष्य के साथ में खेल रहा है। आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा, इस चेन में कुल कितने स्कूल है इनके? इनके स्कूल टोटल 5 स्कूल है, और 5 के 5 स्कूल इनलीगल है, 5 के 5 एक उनको मेड़े में स्कूल है, और एक तुंगारेश्वर एकेडमी जो हाईकोर्ट का आदेश डिमोलिशन का है, और सेम कंडीशन कामन कोल्ली चिंचोटी में स्कूल है, ज्ञानोदय मल्टीपर्पज हाई स्कूल, ये सबके मालिक यही है। और एक बहरामपुर में स्कूल है जो किंजल गार्डन है, वो बिल्डिंग के अंदर किंजल गार्डन के लिए उसको परमिशन मिला हुआ, जो बालवाड़ी बच्चे लोग सिखाते हैं वहां पे डिग्री कॉलेज खोल के बैठे हैं, तो इसका कोई सुनवाई ही नहीं है। ये सब क्या करता है, 0 से लेके लास्ट, ये बोलते हैं कि मंत्रालय तक हमने मैनेज किया है, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे राजीव बगले गुप्ता जी से अभी इसी मुद्दे पर, और इसके अलावा एक और मुद्दा है
हमारे साथ किशन भाई, किशन गुप्ता जी, ये खुद पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सक्रियता पत्रकारिता में कम है, लेकिन सामाजिक मुद्दे को लेकर कई बार आवाज अपनी उठाते रहते हैं। तो पहले किशन भाई आपसे यही मुद्दे पर, जो राजीव भाई का मुद्दा है ज्ञानोदय मल्टीपल स्कूल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे वो हम हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। सबसे पहले सब दर्शकों को नमस्कार। इस मुद्दे पे बताना चाहूंगा कि जो कोकोड कमिश्नर ने आदेश दिए है कि एक समिति गठित करके, कलेक्टर साहब को समिति गठित करके इसकी जांच करो, अगर ईमानदारी से समिति ने जांच की, जिसे ईमानदारी कहा जाता है, अगर ईमानदारी से जांच की, तो इसके अंदर बहुत से अधिकारी, महानगर पालिका, शिक्षा विभाग, महसूल विभाग के बहुत से अधिकारी इसके अंदर सस्पेंड होंगे, क्योंकि इनके संरक्षण में अनलीगल स्कूल चल रहा था। 2001 में सरकार जमा जगह हो गई थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस टाइम का जो सरकार जमा होता उसके फेरफार को छुपा करके, इन लोगों ने 2008 में महाराष्ट्र शासन से आदिवासी से बिन आदिवासी का पत्र लेके आए इन लोगों ने, जिसको अब जाके हम लोग फॉलो करते करते यहां तक पहुंचे हैं कि उसमें महाराष्ट्र शासन का 7-12 पेपर पे नाम चढ़ गया है, 40 गुंठा जमा भी हो गया, जिसके लोगों ने अभी सेकंड अपील में गए हैं कोकण कमिश्नर के पास, यहां से कलेक्टर के पास रिजेक्ट हो गया, प्राण के पास रिजेक्ट हो गया है। दूसरा एक जो 44 गुंठा है उसके लिए कलेक्टर के पास अभी मामला पेंडिंग पड़ा है, 40 गुंठा का कलेक्टर के पास मामला पेंडिंग है, उनके पास अपील में है, अभी वो देखिए डिसीजन कब तक आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बस्ती बिरार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सिर्फ अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी काम करा लो, चोर को बोलो सही, सही को बोलो चोर। लेकिन अभी जो एक अगर कोकोड कमिश्नर का जो आदेश है इस पर ईमानदारी से जांच हो जाए, इसमें काफी अधिकारियों के सर पे तलवार लटकेगी और घर का रास्ता देखेंगे। लेकिन आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा घुमा के अगर कहूं तो शायद इंक्वायरी इसीलिए नहीं रही कि अधिकारी नपने वाले, ऐसा तो नहीं? इसमें दोनों मुद्दा है। कोकोड कमिश्नर ने ऐसे लिखे, कोकोड कमिश्नर साहब ने, कि गंभीर बाब है, इसमें समिति बसून इसे जांच हो ले पाई, ऐसा उन्होंने लिखे। तो इसमें खाली अधिकारी नपेंगे ऐसे नहीं, इसके अंदर वर्मा भी नपेंगे। नहीं, वो तो नपने ही है, लेकिन उनको उनको तो कोई बचा नहीं पाएगा, समझो अगर उन्होंने गलती की। लेकिन अगर अधिकारी नपेंगे और हर एक डिपार्टमेंट, जैसा अभी राजीव भाई बताया, तीन डिपार्टमेंट आता है, महसूल हो, महानगर पालिका हो, तो क्या उनको उनको बचाने की कवायद है? ये भी हो सकता है, लेकिन वो कवायद को हम पूरी नहीं होने देंगे। अगर उनको अगर बचाने की भी है तो वो भी हम पूरा नहीं, उनकी समिति जो गठित थी उनकी जांच आने दीजिए, उनकी रिपोर्ट आने, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। हमको कहां जाना है, अगर जरूरत लगे तो फिर से हाईकोर्ट जाएंगे, अगर जरूरत लगे तो फिर माननीय हाईकोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इनको, इसलिए कि इन्होंने सरासर गलत काम किया है। शासन को इन्होंने चूना लगाया है, महसूल डुबाया है, महानगर पालिका के टैक्स डुबाया है, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको अब अगर इन्होंने ईमानदारी से जांच कर दी समिति ने, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो किशन भाई, अभी ये तो मुद्दा हुआ राजीव बघेल गुप्ता जी का जो था, अभी दूसरा एक मुद्दा, संजय गुप्ता जी भी साथ में बैठे हैं, संजय गुप्ता जी का भी एक मामला है जो इन्होंने उठाया और उस पर आप अभी काफी कुछ लिख रहे हैं और काफी कुछ उस पर भी कर रहे थे, वो क्या मामला है आप एक बार बताइए, फिर संजय भाई से भी उस बारे में बात करेंगे। वो मामला ऐसा है कि बसीपुर में एक वाघराल पड़ा क्षेत्र है जो गांव मुझे राजौली में आता है, जिसका सर्वे नंबर 146 है, कुछ 3 है और 148 है। इसके ऊपर शासन का 26 करोड़ रुपए का, लगभग 26 करोड़ है बोझा है, जो इन्होंने पहाड़ को काटे थे, कटिंग किए थे, उसको बोलते हैं पहाड़ का भूस्खलन, भूस्खलन नहीं, पहाड़ कटिंग करना, तो उन्होंने किए थे, उसके ऊपर बोझा चढ़ा है। तो बोझा का ऐसा मामला है कि वो टोटल 17 एकड़ जमीन है, तो 17 एकड़ जमीन अब तक कम से कम 5,000 चालियां बन गई, 2 एकड़ के लगभग में जमीन बची है। तो संजय भाई का हमारा मुद्दा ये है कि अगर वहां पे पूरी चालियां बन जाएगी, बिल्डर जो भू माफिया जो जमीन बेचते हैं, अगर वो जमीन बेच के चले गए और जो चाली माफिया जो चाली वहां पे बनाते हैं, उन्होंने गरीबों को घर दे के चले गए, तो महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन 26 करोड़ किससे वसूल करेगा? अगर वो गरीब से वसूल करेगा तो गरीब दे नहीं पाएगा, तो इसी बात अगर नहीं देगा तो उसको उनको गरीबों को बेघर करना पड़ेगा, घर तोड़ के उनको जगह कब्जा में लेना पड़ेगा। इसलिए संजय भाई का कहना है कि पहले वो महसूल वसूल करो, रहेगी बात अनलीगल चाली की, तो अनलीगल चाली या अनलीगल बांध का मंदिर, अनलीगल इंडस्ट्रियल बसी बिराज में कोई छोटी बात नहीं, आम बात है, आए दिन आप देखते हो सोशल मीडिया में दिखते रहता है, अनलीगल की कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा ये है कि 26 करोड़ रुपया सरकार का बाकी है, तो सरकार 26 करोड़ रुपया कौन भरेगा? या तो जो उसका ओनर है वो 7-12 का, वो आउट ऑफ इंडिया में है, तो कल को गरीब बर्बाद होंगे, आउट ऑफ इंडिया में है वो, कल को गरीब बर्बाद। इसलिए इनका कहना है कि भाई गरीबों को बर्बाद होने से इनको बचाया जाए, अभी 2 एकड़ जमीन बची वहां पे एक बांध काम रोका जाए, महसूल विभाग रोके, महानगर पालिका रोके, और उनसे 26 करोड़ वसूल किया जाए। दूसरी बात, ये हम बहुत काफी लंबा होता जा रहा है, हम कम करना चाहेंगे, छोड़ यहाँ रोकना चाहेंगे आपको, लेकिन संजय भाई से बात करें उसके पहले आपसे खाली एक बात और कहना चाहूंगा, अभी आपने मुद्दा सोशल मीडिया में जब उठाया तो कुछ आपने ऐसा लिखा है सोशल मीडिया में कि अलग अलग तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, वो क्या बोल रहा है?
नहीं, वो कैसा मुद्दा है कि जो भूमाफिया लोग हैं अलग अलग तरीके से यहाँ वहां कुछ भी अलग तरीके से बोल करके डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसको उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे लोगों को बिग भी नहीं डालता हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या हूँ, उनको भी मालूम है मैं क्या हूँ, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जिस पटरी पे मैं जा रहा हूँ, जो रास्ते पे जा रहा हूँ, उस पर मैं जाऊंगा, गरीबों को कैसा भला करना, गरीबों को कैसा बचाना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। संजय भाई, अभी इस मामले को लेकर आपका क्या फॉलोअप है और आपका क्या इस पे कहना है? वो देखिए, पहले हमने पत्र व्यवहार कर दिया है तहसीलदार में, उसी हमने तहसीलदार में मौसम वन विभाग में मंत्रालय में। आपने पत्र व्यवहार कब किया और क्या उस पे आपका कहना है? ये तहसीलदार को हमने पत्र लिखा, दूसरा वहां पे लाइट और घर पट्टी ना लगे, गरीब बेचारे बेघर ना हो। तीसरा पत्र हमने महानगरपालिका को भी दिया है और वहां पे उनको भी ये देखिए घर पट्टी ना लगे इसके लिए, और महानगरपालिका ने अपना काम करते घर पट्टी लगाना बंद कर दिया है वहां पे। अभी एक बात मेरे को ये समझ नहीं आती है कि अक्सर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, हम लोग भी महानगरपालिका वगैरह में जाते हैं तो, कि जिनके पास डॉक्यूमेंट सब है लेकिन उनका काम नहीं होता है, उनको घर पट्टी नहीं बनती। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल है तो डॉक्यूमेंट जी यहाँ पे पैसे भ्रष्टाचार की वजह से होता है, उनका पैसे के बल पे वो करने लगते अपना काम। आपका मांग क्या है? अब देखिए, ये यहाँ पे 2022 में लग गई थी घर पट्टी, सॉरी बोझा 2022 में लगा, एक मिनट, 2022 से अगर मनपा को पता है यहाँ बोझा तो भी वो घर पट्टी लगा दी आज तक। एक बड़ा हादसा भी हुआ था उस समय, बारिश के टाइम में भूस्खलन हुआ था और कुछ लोग मरे, अमित सिंह करके लड़का मरा था वहां पर, उसी बच्ची मरी उसी जगह पे। तो ये हम बात कर रहे थे, पहले हमने वीडियो के एक पार्ट में राजीव बघेल गुप्ता जी जिन्होंने इतना लंबा फॉलोअप किया उसके बारे में बताया, किशन भाई साहब की मुलाकात करवाई, और संजय भाई का जो ये मामला है वगरालपाड़ा का। आपको बता दूं कि वगरालपाड़ा में 2018 में एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, और वगरालपाड़ा में 2018 में महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी के ऊपर वहां हमला हुआ था, भूमाफियों के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था, जेसीबी तक को फूंक दिया गया था, और उसमें उसके बाद बड़ी कार्यवाही हुई भी सही, लेकिन वो कार्यवाही तब होकर शायद वो बदले की कार्यवाही थी ऐसा हम बोल सकते, क्योंकि अगर वो कार्यवाही प्रशासन का अपना जो रोज का रोजमर्रा का काम होता तो प्रशासन वहां वापस से ये नहीं बनने देता, जालिया वगैरह इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होने देता, लेकिन उसके बाद सतत तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू है। और इस वगरालपाड़ा के मामले को देखा जाए तो इसमें सिर्फ महानगर पालिका नहीं तो महसूल नहीं तो वन विभाग और जितने जो विभाग संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए सबकी मिलीभगत है। ये जो परिसर है तुंगारेश्वर अभ्यारण्य से काफी करीब भी है, तो इस तरह से वन काटने का जो है जंगली जानवरों के ऊपर भी काफी प्रभाव पड़ता होगा, जो हमें आज मालूम नहीं पड़ रहा है लेकिन आने वाले समय में उसका इफेक्ट जरूर मालूम पड़ेगा। लेकिन किसी को परवाह नहीं है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आवाज उठाता है तो उसको आवाज दबाने की, उसकी आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पूरी की जाती है। यही चीज हम आपको इस कैमरे पर दिखा रहे हैं। अब जनता तय करे कि करना क्या है, इस आवाज को इतने दूरी तक ले जाना है। हमारे चैनल पे आप जो लोग दर्शक देख रहे हो उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस आवाज को इतनी दूरी तक ले जाना है कि आवाज जो है वो एक मिशन बन जाए, और मिशन बनने के बाद कहीं ना कहीं इन चीजों पर अंकुश लगे और जो अनैतिक गतिविधियां जो है, अब मैं बोलता हूं बस हो गया, अब से आगे से बंद हो, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा इस तरह से खुलासा करना है वो फायदा कारक होगा। नहीं तो आपने देखा और सिर्फ देख के वहीं पे छोड़ दिया तो फिर उतना ही है, आने वाले समय में आपकी पीढ़ी भी फिर उससे प्रभावित होगी तो प्रभावित होने से रह नहीं पाएगी, मैं ये वर्ड बोलना चाहूंगा। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।